वैद्याज किचन शो में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके साथ उड़द का बरा की रेसिपी शेयर करेंगे तो बड़ा बनाने के लिए हम उड़द दाल को अच्छे से धो के साफ़ करके चार से पाँच घंटे तक भिगो कर रख देंगे हम यहाँ पर ढाई सौ ग्राम उड़द दाल लिए हैं दाल जब अच्छे से फूल जाए तो उसे हम पीस कर उसका एक थीक बैटर तैयार करेंगे पीसने के समय उसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे अगर पीसने में दिक्कत हो तो एक दो चम्मच पानी अब डालकर पीस सकते हैं तो ये इस तरह से हमें उरद का बैटर तैयार करना है अब हम उरद के बैटर में मसाले ऐड करेंगे तो मसाले में हम एक चम्मच साबु जीरा डालेंगे स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे आधा चम्मच हम हींग डालेंगे अब बारीक कटा हुआ हम अदरक डालेंगे अदरक हम दो चम्मच डालेंगे सात आठ हरी मिर्च हम डालेंगे तीखा आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे तीन कटे हुए हम प्याज़ डालेंगे जब आप बड़ा बनाए हरे प्याज का पत्ता मिले तो उसे बड़ा में आप जरूर डालें इससे बड़ा का टेस्ट दुगुना हो जाता है तो हम ढेर सारा कटे हुए हरे प्याज का पत्ता डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे उड़द दाल हाथों में चिपकता है तो हाथ में पानी लगाकर इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और सारे मसाले को उड़द के दाल में हम मिक्स कर लेंगे उड़द दाल की पिटी को हम अच्छे से फेंटेंगे मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कढ़ाई में हम सरसों का तेल गरम करेंगे और बड़ा को फ्राई करना शुरू करेंगे बड़ा जब भी बनाएं तो आप इसे सरसों का तेल में बनाएं तो बड़ा काफ़ी टेस्टी लगते हैं तो पिट्ठी को हम हाथों में लेंगे और बीच से, से इसे इस तरह से थम से दबा देंगे और इसे तेल में हम छोड़ते जाएंगे आप इसे अपने पसंद अनुसार डिजाइन से बना सकते हैं हम मेदू वड़ा के डिजाइन से इसे बना रहे हैं झारखंड में जिस तरह से धुसका फेमस है उसी तरह उड़द दाल का बड़ा भी फेमस है इसे लोग बहुत पसंद से खाते हैं जब भी बारिश का मौसम होता है तो सभी के यहाँ बड़्रा ज़रूर बनते हैं छोटा नागपुर में होलिका दहन के दिन उड़द का बड़ा बनना अनिवार्य है और इसे लोहा बड़ा कहा जाता है तो इस दिन सभी के घर में बर्रा ज़रूर बनते हैं अभी हर जगह बारिश हो रही है क्या झारखंड क्या बिहार क्या दिल्ली तो सोचे क्यों ना इस बारिश के मौसम में बर्रा की रेसिपी शेयर की जाए ताकि सभी लोग बारिश के मौसम में गरम-गरम बर्रा चाय के साथ इंजॉय करें। तो चलिए मेरे साथ आप भी बर्रा बनाना स्टार्ट कीजिए बर्रा को हम मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे हाई फ्लेम में इसे हम नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो इसे हम गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे उम्मीद है बर्रा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इसे अपने किचन में ट्राई करें तो इसका टेस्ट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं इसे हम चारों तरफ से अच्छे से पलट कर फ्राई करेंगे ताकि यह हर तरफ से अच्छे से सीख जाए झारखंड की फेमस रेसिपी देखने के लिए आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें झारखंड के ट्रेडिशनल रेसिपी हम आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे बड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे अब हम तेल से निकाल लेंगे और देखिए कितना टेस्टी बड़ा बनकर तैयार हुआ है तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं बड़ा बनकर तैयार है तो इसे अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बड़ा बनकर तैयार हुआ है गरम गरम-गरम उड़द का बड़ा चटनी और सॉस के साथ इंजॉय करें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद